गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हिमाली शर्मा फ्रॉम थावा इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स। यहाँ पे चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस, उसका टॉपिक है टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है, दो माउंटेन ड्रॉ किए हैं। एक माउंटेन के ऊपर ट्री है और एक माउंटेन के बाजू में नीचे ट्री है। माउंटेन के ऊपर ट्री है उसको क्या बोलेंगे, टॉप। टॉप मतलब सबसे ऊपर। और दूसरा ट्री है माउंटेन के बाजू में नीचे मतलब तले, तो उसको क्या कहेंगे, बॉटम। वेरी गुड, समझ में आया? यस। देखो मेरे पास कैप है, बहुत ही अच्छी है, देखो बहुत ही सुंदर कैप है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, टॉप। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एंड बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा। समझ में आया? यस। कैप पहनना पसंद है ना सबको? यस। थर्ड वाला देखो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कब यूज़ करते हो, बारिश होती है तब, और धूप होती है तब। बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला है, ब्यूटीफुल है, देखो। तो अम्ब्रेला के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा। और ये उसको पकड़ने का हैंडल है, तो वो कौन सा हिस्सा बोलेंगे, बॉटम। वेरी गुड। अभी मेरे पास एग्जांपल है, देखो ये पेंसिल है। पेंसिल के ये ऊपर वाला हिस्सा है वो टॉप, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है वो बॉटम। यस। और दूसरा एग्जांपल देखो, ये डस्टर है। डस्टर के ऊपर वाला हिस्सा है वो टॉप, और उसके नीचे वाला हिस्सा होगा वो बॉटम। वेरी गुड। अभी हम बुक में देखते हैं, चलो। यहाँ पे बुक में देखो, बुक में क्या देख सकते हो आप, के दो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा चढ़ रहा है और एक बच्चा स्लिप कर रहा है। समझ में आया? तो ये ऊपर वाला बच्चा है वो कौन सा बच्चा होगा, वो टॉप, और ये नीचे वाला है वो बॉटम। वेरी गुड। अभी ये ट्री देखो, ट्री के ऊपर बर्ड है, वो बर्ड ऊपर है इसलिए टॉप, और ये बिल्ली नीचे है, ट्री के बाजू में नीचे है ना, देखो, तो वो बॉटम मतलब नीचे। यहाँ पे देखो, टेक द पॉट ऑन द टॉप। यहाँ पे जो टॉप दिए हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3। तो क्या करना है, तो टॉप वाला जो पॉट है उसके ऊपर टिक राइट करना है। तो ये वाला टॉप है, नो, ये वाला है, नहीं नहीं, तो ये वाला टॉप है ना, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। वेरी गुड। चलो समझ में आया ना? दूसरा देखो, टिक द राइट एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ी। सीढ़ी के ऊपर एक कैट है, सीढ़ी के नीचे पपी है, तो क्या करना है, जो बॉटम पे है उसके ऊपर टिक करना है। तो बॉटम पे कौन है, ये कैट है, नहीं, कैट तो कहाँ पे है, कैट टॉप पे है, तो कौन सा बॉटम पे है, पपी। पपी कहाँ पे है, पपी बॉटम पे है, इसलिए उसके ऊपर
टिक राइट करेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? यस।